गल करांगे वैष्णो देवी दी। वैष्णो देवी च हुई बटाला दी महिला दी मौत। असे कल बीते कल वैष्णो देवी मार्ग ते लैंडस्लाइडिंग हुई सी। इस पूरे हादसे च बटाला दी महिला दी मौत हो गई। बटाला दी 25 साल सपना दी मौत हो चुकी है। व्याह तो बाद दरअसल दर्शन गई सी 25 साल सपना। 28 जुलाई नूं ही सपना दा व्याह होया सी। हालांकि जाहर जी गल है कि परिवार ते दुखां दा पहाड़ टुट गया है। पति दे नाल वैष्णो देवी दे दर्शनां दे लई आ महिला गई सी। 3 वक्त तस्वीरां कल वैष्णो देवी च लैंडस्लाइडिंग हुई सी। आ तमाम लैंडस्लाइडिंग हादसे दी चपेट च बटाला दी सपना आ गई ते बटाला दी सपना दी मौत हो गई। 3 तस्वीर है। परिवार च जो है मातम पसरिया होया है क्योंकि 1.5 महीने पहला ही आ व्याह होया सी ते वैष्णो देवी दर्शनां दे लई सपना अपने पति दे नाल गई सी। पर इस गल तो अनजान कि उस दे नाल की कुछ वापरना है ते इस तमाम हादसे च सपना दी मौत। ਭਾਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਚਾਵਣੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਚੇਚਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ ਆ। आर्मी ने इस नूं अतवादी हमला नहीं किया है। हालांकि कहा है कि मामले की कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के हुक्म दे दिए गए ने। हर एंगल तो इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी। तरन तारण का जवान है, हेठले पासे तस्वीर तुसी वेख पा रहे हो, कुलदीप सिंह इसका नाम है, जो कि कल जम्मू शहीद होया सी। सुंजवा च आर्मी कैंप च गोली लगने नाल इसकी मौत हुई सी। हालांकि सिर च गोली लगी सी, पर आर्मी ने इस नूं अतवादी हमला नहीं दस्या है। हालांकि मामले दी कोर्ट ऑफ इनक्वायरी दे हुक्म जो ने ओ दे दित्ते गए ने। हर एंगल तो इस पूरे मामले दी जांच तो है आर्मी दे वल्लों कीती जा रही। तरन तारण दा जवान हेठले पासे तस्वीर तुसी वेख पा रहे हो, कुलदीप सिंह जो कि शहीद हो गए ने। सुंजवा च दरअसल कल आर्मी कैंप च गोली चली सी। जो गोली है वो कुलदीप सिंह दी सिर च वज्जी सी। हालांकि आर्मी का कहना है कि आ कोई अतवादी हमला नहीं है, किसी अतवादी ने हमला नहीं किया। साबका क्रिकेटर सुरेश रैना दे फुफर दे कतल मामले च 12 मुलजमान नूं उम्र कैद दी सजा सुनाई गई है। दस के पठानकोट जिला अदालत ने 12 मुलजमान नूं आ सजा सुनाई। उम्र कैद दे नाल सारे मुलजमान नूं 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है कोर्ट दे वल्लों। 2020 च सुरेश रैना दे फुफर अशोक कुमार दा कतल होया सी। 19 अगस्त 2020 नूं अणपछाते बदमाशां ने लुट दी नीयत दे नाल अशोक कुमार दे घर ते हमला किया सी। रात नूं सौ रहे परिवार ते तेज हथियारां नाल हमला करके गंभीर जख्मी भी किया गया सी। इलाज दौरान अशोक कुमार ते उन्हां दे पुत्तर कौशल कुमार दी मौत हो गई सी। पठानकोट जिला अदालत ने हुण 12 मुलजमान नूं उम्र कैद दी सजा सुनाई है। नाल ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट दे वल्लों लगाया गया। साबका क्रिकेटर सुरेश रैना दे फुफड़ दे कतल मामले च पठानकोट जिला अदालत दे वल्लों सज़ा दा ऐलान किया गया है। तमाम जिन्हें भी 12 मुलजम सी उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसके नाल ही सारे मुलजमान नूं 2-2 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया। आ पूरा मामला 19 अगस्त 2020 का है, जदों कि अणपछाते बदमाशां ने लुट की नीयत नाल कार एंटर होए सी ते हमला जो है परिवार ते किया गया। विवेकपुरी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सरकारी वकील तो मैं दोनों ने केस हैंडल किया। जज साहब श्री जतेंद्र पाल सिंह खुरमी सैशन जज पठानकोट, उन्होंने 31/8/24 फैसला किया और ये